पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये मैडम दूसरी बार धसा है। जरा कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं सीमा जी आपको। 16 नवंबर 2021 और 6 अक्टूबर 2022, 5 घंटे की बारिश में जो सड़क 5 फीट अंदर धस जाए उसे क्या एक्सप्रेसवे कहा जाना चाहिए? ये तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सड़क क्या वाकई भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है? ये कौन सा विकास का मॉडल है? विकास का मॉडल तो ये इसलिए है क्योंकि प्रगति तो देखिए करी हर जगह, आप अगर चाहे रोड कनेक्टिविटी कह ले, एयर कनेक्टिविटी कह दे, हर जगह विकास तो हुआ है। अब आपकी बात आती है कि धस गए, तो धस गई पे जरूर इस पे विचार किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी इस पे कि नहीं, इस तरीके से धसी, धसी कहां पर कमी रह गई। जिसे आन बान और शान कहें और वो एक साल के अंदर 2 बार धस जाए सड़क, क्या उसको भ्रष्टाचार उसकी भू नहीं आती? आप नहीं, इस पे जरूर सोचेंगे और इस पे जरूर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए क्योंकि धसनी नहीं चाहिए। बस बयान को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये उसी वक्त का बयान है। एक्सप्रेसवे है ना, आन बान और शान, एक कविता तक पढ़ी थी देश के प्रधानमंत्री ने, आप सबको याद होगा, नहीं याद तो सुना देता हूं। शान है ये यूपी का कमाल एक्सप्रेसवे, यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है ये एक्सप्रेसवे, यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है ये एक्सप्रेसवे, यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है ये एक्सप्रेसवे, यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। मैडम 22,000 करोड़ रुपए लगे थे इस पे, प्लेन उतरने थे, सड़क धस गई, गलती जनता की है, उस पे गाड़ियां चला रही थी। नहीं नहीं, जनता की क्यों गलती, जिसकी गलती है उसको सजा मिली थी, इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत होता है सर उस पे हम लोग नहीं क्रिटिसाइज करते, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जिसको जो गलत है उस पे एक्शन जरूर होना चाहिए। जो सही पे अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो जरूर उस पे बोलती हूँ, वरना मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, धसी है, तो बहुत गलत बात। दूसरी तस्वीर देखिएगा, और वंदे भारत कितना अच्छा नाम है, पहले दिन भैंस की टक्कर में घायल, दूसरे दिन गाय की टक्कर में घायल, और तीसरे दिन ब्रेक जाम हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा, ये विकास के मॉडल हैं वाकई में? मॉडल तो सर ये विकास के ही हैं, अब भैंस बीच में आ जाए तो क्या करेंगे। ओह, और रही आप रही गड्ढों की बात, आप गड्ढों की बात कह रहे थे तो उसपे बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, पहले अच्छा भैंस बीच में आ गई तो हम क्या करें? अब क्या करें सर, भैंसों को तो हम लोगों ने रोका नहीं, ये तो इट्स कोइंसिडेंट की आ गई भैंस, ठीक है। ओके, ये गलती मतलब भैंस की थी, प्लान करा गया था। सामान तो मजबूत होना चाहिए भैंस की टक्कर से, कोई मतलब बंदे मातरम के नाम पे, बंदे टूटी थोड़ी ना, कोई टूटी थोड़ी ना, टकराने की बात कर रही आपने, कोई टूट के थोड़ी ना। मैं इस तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ, ये बकायदा कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, पहले दिन भैंस की टक्कर घायल, दूसरे दिन गाय की टक्कर में घायल, तीसरे दिन मोटर सीज होने से ब्रेक जाम। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि चौथे दिन क्या होगा। सीमा मैडम चौथे दिन पराठे से भागेगी, चिंता क्यों करते हैं। अब अगला नंबर किसका? विकास, जब सब बड़े बड़े काम होते हैं तो छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं। इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब देश के प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें और वो एक्सप्रेसवे बारिश तक ना झेल पाए कुछ घंटों की, और साल भर के अंदर एक्सप्रेसवे धस जाए और उसमें गाड़ी धस जाए, 2 घंटे की बरसात नहीं झेल पाया और 5 फीट सड़क धस गई, मैं इसलिए कह रहा हूं क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैडम मैं जानता हूं इन विषयों को लेकर सवाल नहीं पूछे जाते, मैं जानता हूं ये विषय कईयों के लिए सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म की डिबेट चर्चा करवा लो तो अभी पूरा शाम को महफिल सज जाती है। विकास के मॉडल पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं होता है ना, उस पर कोई सवाल नहीं होता।